आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब यहाँ पर उठ गए हैं। अभी बनाना है मेरे को नाश्ता, तो आज नाश्ते में बनने वाली है भिंडी रोटी, तो नाश्ता बनाएंगे। और आज जो है बच्चे के स्कूल को मैं तो नहीं जा रही हूँ, क्यों बोलते परसों मैं स्कूल गई थी और स्कूल था बंद, तो मैं बोली मैं नहीं जाती हूँ, आप लाइन जाओ, जाके बुक्स वगैरह लेके आओ। तो चलिए वो लोग आज जाएंगे, पहले उन लोगों को नाश्ता रेडी करके देंगे, उसके बाद जाना है, फिर ड्रेस का मेजरमेंट भी लेना है, पीटी ड्रेस वगैरह भी उन लोगों को लाना है। तो मेरा काम है उन लोगों को नाश्ता बनाना, तो मैं नाश्ता बना के दे दूँगी, ना खा लेंगे चले जाएंगे। तो जो भी मेरे चैनल को नहीं करे सब्सक्राइब, प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। तो चलिए चलते हैं सीधा किचन में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। तो यहाँ कर रही मैं भिंडी फ्राई, तो भिंडी फ्राई करूँगी, थोड़ी देर इसको रख दूँगी स्टोव पे ही, साथ ही साथ यहाँ पे गून लूँगी आटा। आटा गून के रखना है जब तक हो जाता अपनी भिंडी भी रेडी। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आटा में गून के रख दी, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आटा गुने तक हमारी भिंडी भी हो गई है रेडी। जल्दी जल्दी से डालना है रोटी, के मतलब उन लोगों को जाना है 10 बजे, 10 बजे से सिर्फ 12:30 एक बजे तक ही उन लोगों का स्कूल है, देना है। यहाँ पे देखिए रोटी भी हो गई रेडी, साथ ही साथ मैं बना रही हूँ मैंगो मिल्क शेक, तो दो भी रेडी हो गया। उन लोगों को करा देंगे नाश्ता और उन लोगों को भिजा देंगे स्कूल। 2000 years later. तो अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स पूरे यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं बुक्स लाने नहीं गई, जैसा कि आपको बोली कि मैं नहीं जाने वाली हूँ बोल के, तो देखेंगे पूरे बुक्स आए या नहीं। तो पीटी ड्रेस भी आने का था, ये देखिए पीटी ड्रेस भी आ गया है, और जो स्कूल का यूनिफॉर्म है उसके भी जो है ड्रेस का मेजरमेंट दे के आए, 16 तक देते बोले, अब देखना है स्कूल तो 12 से खुल जा रहे। तो मैं बताती हूँ आपको, पहले था इनका कौन सा था सफरा, पहले रेड था, पहले रेड था पी टी इनका, अब जो है ये है ग्रीन। हाँ, तो पहले जो रेड था इनका पी टी ड्रेस उसमें था टी शर्ट और था ट्रैक, तो ये है इनको स्कर्ट मिला, ये स्कर्ट मिला और ये है टी शर्ट। खोलो सफरा, निकाल के बताओ, आपके ज़्यादा ही देर हो गई हम लोगों को बुक्स वगैरह लाने के लिए, क्यों बोल तो बीच में बोले थे लोग आप जो है ऑनलाइन बुक्स मंगा लेते बोल के, मगर उसमें क्या होता मालूम, बुक्स अपन पूरे आए नहीं आए, हाँ इन लोगों की वेबसाइट थी बुक्स लाने की, तो हम लोग बोले उसमें कोई बुक्स आएंगे कोई बुक्स नहीं आएंगे बोल के, वो हिसाब से हम लोग नहीं लिए। तो अभी स्कूल से जाके मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची दोनों जाके बुक्स वगैरह पूरे लेके आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रेस का भी मेजरमेंट दे दिए, ड्रेस 16 तक जो है आएगा, तो इनका पूरा जो है यूनिफॉर्म, सॉरी ये पीटी ड्रेस आ गया, यूनिफॉर्म आना बाकी है। और तो चलिए बुक्स में क्या क्या आया बताऊँगी, बुक्स पूरे आ गए, सफूरा पूरे बुक्स आ गए, एक का आना बाकी है शायद, बता तुम्हें कौन सी, आर्ट की, आर्ट आना बाकी है ना, यहाँ आर्ट लिखा हुआ है। तो ये देखिए स्पेलिंग भी लोग जो है मिस्टेक कर दिए, स्पेलिंग की भी गड़बड़ी कर दिए, बताए बहुत सॉरी स्पेलिंग बोले बाद भी स्पेलिंग की हो गई यहाँ पे गड़बड़, तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक जो है होते रहती। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स तो इनके आ गए हैं, तो अभी इसको कवर वगैरह चढ़ाना बाकी है। तो ये देखिए इनके स्कूल से ही ये बुक्स के कवर वगैरह भी सब मिल जाते, तो ये बैग तो इसमें चाहे पूरे बुक्स पूरे रीडर्स को चेक करो सब, पूरा रीडर्स आए क्या पूरे, ये हमेशा इनके स्कूल में क्या प्रॉब्लम होती मालूम, हिंदी और तेलुगु रीडिंग की सॉरी रीडर की हमेशा प्रॉब्लम होती, स्कूल के स्टार्ट हुए बाद भी इतना ढूंढना पड़ता बुक्स के लिए, तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम मिल गई, प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोगों को, तेलुगु भी मिल गई हिंदी भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे बुक्स वगैरह भी इनके आ गए हैं, तो अभी जल्दी से नहीं, अभी तो टाइम है ना, तो अभी तो ईद के बाद ही इनका प्रोग्राम है स्कूल जाने का, क्यों बोलते अभी पढ़ाई वगैरह नहीं होती ना, तो कवर वगैरह चढ़ाएंगे और बैग को भी अच्छी तरीके से वॉश कर देंगे, सुबह क्लीन करके रख देंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे बुक्स वगैरह सब रेडी। अभी इनका टिफ़िन भी आना बाकी है और टिफ़िन बैग भी आना बाकी है, वो भी लाएंगे इंशाल्लाह, वो भी लेंगे। तो आपके लोगों की शॉपिंग मेरे बगैर ही हो गई, शॉपिंग ही बोलूँगी बुक्स वगैरह की,
हो गई तो चलिए अभी करते हैं, दूसरा काम भी अभी बाकी है, वो काम वगैरह भी कर लेंगे। मैं बोली चलो ये लोग जाके आए, बुक्स वगैरह लेके आए, आप लोगों के साथ मैं वो भी शेयर करूँगी। बल्कि जो है मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स वगैरह हो गए। चलो सफरा जगह पे डाल दो, अपनी अपनी जगह पे रख दो। ये तो ये खोलो सफरा, ये टी शर्ट बताएंगे। पहले रेड टी शर्ट थी और ग्रे कलर का पैंट था, ब्लू कलर का पैंट था और रेड कलर की इनकी टी शर्ट थी। तो ये है इनकी टी शर्ट और ये है इनका स्कर्ट, और ये है इनके स्कूल के सॉक्स। प्लेन सॉक्स भी नहीं पहन के जा सकते भाई इनके स्कूल में, ऐसे ही छोना बोलते हो लगा। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, यहाँ पे सब जो भी था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अभी जाएंगे करेंगे अपनी दूसरा काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए हैं किचन में, तो यहाँ रेडी हो रहा है केक। तो बेटी का दिल बोला था केक खाना, तो मैं बोली चलो आपका दिल बोल रहा ना केक खाना तो आप ही बना लो, मैं बताती हूँ आपको जो भी जैसा बनाना है। तो उन्होंने यहाँ पे देखिए अंडा फेंट के रख दिए और क्या करें, चलो सफरा और इसमें ऑयल डालो और उसको अच्छी तरीके से फेंटो, जितना फेंटेंगे ना उतना जो है आपका हल्लू जितना ज़्यादा फेंटेंगे ना उतना केक अच्छा ज़बरदस्त बताओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छी तरीके से उन्होंने फेंट दिए। चलो डालो सफरा, आप इसके अंदर शक्कर डालो, शक्कर या पूरी डाल देना। हाँ डालो, पूरा मेजरमेंट करके हिसाब से लिए थोड़ा कम, ठीक है चलो कोई बात नहीं, फेटो अच्छी तरीके से, अच्छा फेटो। अब बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर लिए उसको पहले अच्छा फेटो। चलो जब तक इन्हें फेटते हैं, फेटे बाद मिलती हूँ आपको मैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छी तरीके से इन्होंने फेंट दिया। अब इसके अंदर डालो दूध सफरा, बस हाँ एक कप इसके अंदर दूध डाल दिया, अच्छी तरीके से इसको फिर से फेंटो। हम लोग यहाँ पर केक बना रहे हैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पर देख रहे हैं न्यूज़। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी इन्होंने डाल दिया, इसको अच्छी तरीके से और फेंट दिए। इसके अंदर डालो पहले मैदा डाल दो सफरा, मैदा हाँ फेंटते फेंटते डालो। चलो फेटो आप फेटो, अच्छी तरीके से साइड से पूरा है, साइड से लो इधर इधर है साइड से, हाँ ले लो ऐसा ले लो, हाँ अच्छा हो गया। अब इसके अंदर डालो एसेंस, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इसमें हम लोग डाल दिए, एसेंस डालो हाँ चलो बस है। अब इसके बाद अच्छी तरीके से और इसको फेंटो, हाँ अच्छा एसेंस की खुशबू आ रही, जरा जोर के बोलो एसेंस की खुशबू आ रही, अच्छा खुशबू आ रही है एसेंस की, माँ मेरे हाथ में। चलो बस है अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है रेडी, देखिए बस इतना ही होना था, इसको हर चीज़ बराबर पड़ गई इसके अंदर। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको करते हैं बेक करने की तैयारी। तो हमारे घर में बटर पेपर हो गया था ख़त्म, ख़त्म कहीं को भाई हम लोग इतने दिन से जो है केक वगैरह नहीं बना रहे थे ना, तो बटर पेपर ख़त्म भी हो गया था, हम लोग नए मंगाए तो इसलिए होममेड जो है बटर पेपर हम लोग यहाँ पे रेडी कर दिए। तो फुल पीछे से टीवी की आवाज़ आ रही है, मेरे हस्बैंड जो है न्यूज़ फुल वॉल्यूम में रख के सुन रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसके अंदर डाल दिए, इसको अच्छी तरीके से टैप भी कर दिए और इसमें डाल रहे ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा सा पिस्ते थे और काजू, काजू भी थोड़े थे और ज़्यादा बादाम थे, तो हम लोग बोले चलो बादाम ही ज़्यादा इसके अंदर डाल देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरा हो गया है रेडी, तो अब इसको रखते हैं बेक होने के वास्ते। समझ में आ गया ना सफूरा कैसा बनाते हैं? आ गया। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी करे अच्छा परफेक्ट तरीके से ही हुआ, अब इसको बेक करना है, बेक करे बाद आपको बताती हूँ मैं।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर केक हमारा बेक हो रहा है तो मेरे नीचे का पूरा जो है पूरा गंदा हो गया था, पूरा आटा वगैरह सब यहाँ पे नीचे गिर गया था, तो स्टोव भी क्लीन कर दी और पूरा नीचे का जो है काउंटर भी क्लीन हो गया है। तो चलिए अब इसको छोड़ते हैं दम होने के लिए और उसके बाद आधा घंटा तो इसको मैक्सिमम लगता आधा घंटा, तो चलिए अब मिलती हूँ आपको आधे घंटे के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह इसको आधा घंटा हो गया है, तो चलिए पहले करते हैं चेक। और बच्ची यहाँ पर नहीं है, ऊपर गए हुए हैं उनके चाचा के पास, तो इसको चेक करेंगे इसका क्या हालत है क्या नहीं। उन्होंने फर्स्ट टाइम बनाए, मैं जैसा जैसा बोली उन्होंने वैसे ही बनाए, तो चलिए देखेंगे क्या है क्या नहीं इसकी हालत। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अच्छी तरीके से बेक हो गया है ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से ये बेक हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ओवरलोड हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो उसको अच्छी तरीके से फेंटे बोल के वो ज़्यादा फूल गया है। तो चलिए इसको फ्लेम को कर देंगे ऑफ और उसको निकालेंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हुए बाद बताती हूँ आपको ये कैसा बना क्या नहीं। मेरी बच्ची बनाई फर्स्ट टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम बनाए मगर अच्छा बना, थोड़ा सा शेप आउट हो गया लेकिन ठीक है, फर्स्ट टाइम में चलता भी ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह सफूरा आ गए हैं उनके चाचा के घर से, तो मैं बोली चलो सफूरा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह केक यहाँ पर अच्छी तरीके से बेक हो गया है। तो यहाँ पे हो रहा था कुछ वॉइस ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मैं बोली चलो मैं म्यूट करके वॉइस अपनी डाल दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी तो हो गया, मैं बोली चलो आप किसको खिलाना चाह रहे पहले खिला सकते, दोनों बोले मैं पहले खिलाऊँगी पापा को और उनसे रिव्यू लूँगी, पापा लोगों को खिलाऊँगी फिर पूछती हूँ कैसा बना केक। तो यहाँ पे केक रेडी हो गया और देखिए केक कितना सॉफ्ट बना। पापा है केक टेस्ट करो, कैसा बना? सब परफेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह केक वगैरह हम लोग खा लिए, तो मैं आ गई थी किचन में अपना डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में मैं बनाने वाली हूँ अफगानी चिकन और तंदूरी रोटी और बनने वाले हैं पराठे। तो आटा जो है पराठों का तो मैं गूंद के रख दी, तो तंदूरी रोटी जो है उसका आटा वगैरह भी यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह भिगा के मैं रख दी। तो मेरे हस्बैंड को खाना था तंदूर और बच्चों को खाना था पराठे, तो मैं बोली चलो दोनों को भी नाराज़ नहीं करते हैं, दोनों के लिए भी अलग अलग से बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा चिकन हो रहा है फ्राई और साइड में मैं जो है ग्रेवी भी रेडी हो रही है। तो यही होता भाई पहले जो है चिकन का सालन, तो मतलब जो भी बनाए आप या अफगानी चिकन या बटर चिकन जो भी बनाए वो तो हो जाता रेडी, लेकिन पराठे तंदूर बनाने में लगता बहुत ज़्यादा टाइम। तो यहाँ पे चिकन का जो है हमारा अफगानी चिकन हो गया था रेडी, तो अभी मेरे को जल्दी जल्दी से बनाना है पेड़े। पराठों के लिए तो आपको मालूम है कि पेड़े बनाना, उसको थोड़ी देर रखना, फिर तंदूर का भी जो है आटा वगैरह गून के उसको थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ता। तो तंदूर को करते हैं मतलब तंदूर के आटे को थोड़ी देर छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे करते हैं अपने पराठे रेडी, पहले करते हैं पराठे रेडी उसके बाद करते हैं तंदूर की रोटी रेडी। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पराठे हमारे हो गए हैं रेडी। तो सारे पराठे इसी तरीके से मैं डाल दूँगी और लास्ट में डालूँगी तंदूर। तंदूर को जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस पराठों को ही लगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे पराठे यहाँ पर हो गए हैं रेडी। तो चलिए अभी करते हैं तंदूर की रोटी बनाने की तैयारी, तंदूर भी बना देंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी तंदूर भी हो गई है रेडी और पराठे भी हो गए हैं रेडी। यहाँ पर अफगानी चिकन भी हमारा हो गया है रेडी ज़बरदस्त सा, इसमें मैं थोड़ा डाली तेल और बटर कम। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा हो गया है रेडी। तो चलिए अब करते हैं जल्दी से अपना डिनर करेंगे और वीडियो को करेंगे एंड। अल्हम्दुलिल्लाह डिनर हमारा यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। तो बस आज का मेरा यही वीडियो था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।